भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कमी देखने को मिली है कि जिसमें लोकल इतिहास को बहुत कम जगह दी गई है। खासकर ब्रिटिश काल में राजे महाराजों व नवाबों की बात करें तो कुछ एक छोर लगभग सभी ने अंग्रेजों के साथ राजशाही जीवन जिया है। मजे की बात है, ऐसे परिवार आज भी सरकारों में वैसे ही राजशाही जीवन जी रहे हैं। इटावा में ऐसे राजा महाराजाओं की कमी नहीं है, जहां देशभक्त राजपरिवारों की हवेलियों के खंडहर ऐसे ही पड़े रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो आओ हमारे इतिहास की मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। इटावा में ऐसा ही एक खंडहर किला है, नाम है भरेह का किला। यहां से फूटी थी क्रांति की एक चिंगारी, यहां के राजा रूप सिंह ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। मेरठ से सुलगी क्रांति की चिंगारी कुछ ही दिनों में पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। कानपुर, आगरा व फर्रुखाबाद में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका था। ऐसे में चंबल घाटी के सूरमा कहां पीछे रहने वाले थे। भरेह किले के राजा रूप सिंह ने अंग्रेजों से मुकाबले का ऐलान कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जब इसकी खबर मिली तो वह खुद भरेह किले में आई और आसपास के राजाओं के साथ मंत्रणा कर आजादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए उनका आह्वान किया। भरेह 1857 में गोरिल्ला युद्ध का बड़ा केंद्र बन गया था। यहां के राजा रूप सिंह ने गोरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई की अपील और राजा रूप सिंह का रण कौशल काम आया। अन्य राजा भी साथ आए। चक्रनगर के राजा कुंवर निरंजन सिंह ने भी क्रांति में कूदकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। राजा रूप सिंह ने शेरगढ़ घाट पर नावों से एक पुल बनवाया और 24 जून 1857 को औरैया तहसील में रखा अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। बौखलाए अंग्रेज किसी तरह इस बगावत को दबा देना चाहते थे, इसीलिए अंग्रेज तोपें लेकर यमुना पार पहुंचे और भरेह किले पर हमला कर तहस नहस कर दिया। राजा रूप सिंह खतरे को पहले ही भांप चुके थे, इसलिए वे चक्रनगर के राजा निमरंजन सिंह और अपने विश्वासपात्र लोगों के साथ किले से निकल गए। अंग्रेज चक्रनगर की ओर बढ़े और किले पर कब्जा कर स्थायी छावनी बनाए। अंग्रेजों ने सहसों में भी एक फौजी चौकी की स्थापना कराई। 1858 में अंग्रेजों ने फिर से इटावा जिले पर कब्जा कर लिया और सारी रियासत जब्त कर प्रतापमेर के राजा जोर सिंह को सौंप दी थी।